अरविंद केजरीवाल के सच्चे दोस्त ने अरविंद केजरीवाल को याद कर कहा, हरियाणा के लाल ने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश की सेवा करने का बेड़ा उठाया है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हरियाणा में चुनावी प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री पद का लोभ नहीं है और किस तरह अरविंद केजरीवाल देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह आईएएस का पद छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपना कदम रखा और देश की सेवा करने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हरियाणा में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच संजय सिंह भी हरियाणा के रेवड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल का जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए। अब आइए पहले सुनते हैं कि संजय सिंह ने आखिर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा है। हरियाणा के अंदर एक शख्स ने जन्म लिया जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। देश के सबसे बड़े संस्थान से पढ़ाई की, IIT से शिक्षा ग्रहण किया, IRS का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी की और उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के कहा, हम देश और समाज की सेवा करेंगे, हम इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं बनेंगे। यह हौसला इसी हरियाणा के लाल ने दिखाया। मुख्यमंत्री बने, अन्ना जी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया पूरे देश में। 49 दिन की सरकार थी, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई, केजरीवाल जी कहने लगे मैं इस्तीफा दूंगा। हम लोगों ने समझाया, बार बार समझाया, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, बोले उसूलों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। फिर दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। 67 सीट जीत के आए 70 में से, 62 सीट जीत के आए 70 में से। काम क्या किया सुन लेना। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो अपने बच्चों के लिए बड़े मकान बनाने का काम नहीं किया, अपने लिए जमीन और प्लाट खरीदने का काम नहीं किया, विदेशों के बैंकों में पैसा रखने का काम नहीं किया। केजरीवाल जब बने मुख्यमंत्री तो उन्होंने उन मकड़ी के जालों में लगे हुए स्कूलों को बदलने का काम किया, वहां पर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, जाकर देख लेना। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर जब स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। मेरे भाइयों, उन्हीं सरकारी स्कूलों में आज एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। तो सुना आपने किस तरह संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल का जमकर तारीफ करी और लोगों से अपील की कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की सेवा करने का एक बार मौका दे। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में आती है तो यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली के जैसी कर दी जाएगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।